नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार मिल्टन इंग्लिश क्लासेस हजारीबाग से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामर का, पेसिव वॉइस। आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं वॉइस, पेसिव वॉइस। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग चाहे ग्रामर का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत यूनिक तरीके से करते हैं, और उसी अंदाज में मैं आप लोगों को ये टॉपिक भी कवर करने वाला हूँ। यदि आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देख जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं भी दिक्कत होगा, इसीलिए पूरे वीडियो को एंड तक देखें। और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पेसिव वॉइस काफ़ी महत्व है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बनता है, तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है और इसी स्ट्रक्चर के आधार पे पूरे चीज़ों को कवर कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर लिख रखा है, यदि आप इस स्ट्रक्चर को कर लेते हैं तो कंप्लीट आपका हो जाएगा पूरा ये टॉपिक। तो स्ट्रक्चर क्या है, सिंपली आपको सबसे पहले जो प्लेस्ड करना है वो ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर बी फॉर्म है, बी थ्री है, बाय है और सब्जेक्ट। वंस अगेन, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी फॉर्म, बी थ्री, बाय और सब्जेक्ट। दोस्तों कुछ बातें हैं जो आपको जानकर रखना है चूँकि इससे जुड़ा हुआ है। तो आपको जानना है पहली ये कॉन्सेप्ट कि यदि किसी भी सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर है, यदि किसी सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर है तो उसके वर्ब का भी नेचर कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और यदि किसी सब्जेक्ट का नेचर प्लूरल है तो उसका वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। कुछ मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लिख रखा हूँ कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, जो बेसिकली आपको पता ही होगा। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, डज सिंगुलर है, और डू क्या है, प्लूरल है। जैसे कि आप लोग ये पता होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट की जगह यूज होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, चूंकि ये कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट मी है, वी का अस है, यू का यू है, ही का हिम है, सी का हर है, और दे का देम हो जाता है। चीज़ों को आप थोड़ा सा एक बार और इधर देख लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने बताया, बी फॉर्म के बारे में देख लीजिए। बी फॉर्म, चूँकि बी फॉर्म मेन वर्ब है और मेन वर्ब का फास्ट फॉर्म होता है, तो इसका भी फास्ट फॉर्म है बी वन, बी फाइव, बी टू, बी थ्री और बी फोर। देखो बी वन और बी फाइव में जो आता है बी फॉर्म में वो इज, एम, आर और बी आता है। इज, एम, आर, बी आपको याद रख लेना है। बी वन और बी फाइव में जो आता है वो इज, एम, आर और बी। बी टू में क्या आएगा, वाज, वर। बी थ्री में क्या होगा, बीन। बी फोर में क्या होगा, बीन। दोबारा देख ले, बी फॉर्म में बी वन और बी फाइव जो होती है वो क्या होता है, इज, एम, आर और बी, इज, एम, आर और बी, इज, एम, आर और बी। बी टू क्या हो जाएगा, वाज, वर। बी टू क्या हो जाएगा, वाज, वर। बी थ्री क्या हो जाएगा, बीन। बी फोर क्या हो जाएगा, बीन। अब देखिए कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर लीजिए और आप तुरंत बनाना शुरू कीजिए। चलिए जैसे कि हम देखते हैं, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई एक लेते हैं, जैसे लेता हूं मैं आई एट अ मैंगो, बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैंने लिया। अभी देखो इसको मैं पेसिव में कन्वर्ट करता हूं, बड़ा आसान। पहले मैं क्या लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो, अ मैंगो, अ मैंगो, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो छोड़ देंगे। अब सीधे किस में आ जाएंगे, बी फॉर्म। बी फॉर्म जब भी हम लोग देखेंगे ना तो वर्ब के अकॉर्डिंग देखेंगे। बताइए यहाँ पे कौन सा वर्ब है, तो बी वन क्या है, बी वन है। इट क्या है, बी वन। तो बी वन देखिए किस में टूट रहा है, इज में, एम में, आर और बी। अब देखो आम मैंगो के साथ क्या लगेगा, एम तो लग नहीं सकता चूंकि आई के साथ लगता है, आर भी नहीं लग सकता चूंकि ये प्लूरल है, तो बी और इज बचा, बी होगा नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज होगा। फिर इसके बाद बी थ्री लगाना है, इट का बी थ्री क्या हो जाएगा, इटन हो जाएगा। फिर बाई और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखें आई को यदि आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं तो आई किस में कन्वर्ट हो जाता है, मी में। तो कितना इजीली हम लोग चीज़ों को कंप्लीट कर लिए। अभी देखेंगे हम लोग दूसरा सिंपल प्रेजेंट का ही एक और स्ट्रक्चर, अगर आप देखना चाहते, इसको उतारना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल का एक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। जैसे मैं कहूँ सी, सी लाइक्स मी, सी लाइक्स मी,
अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। पहला काम ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, मी। लेकिन मी को जब आप सब्जेक्ट के स्थान पे लाओगे, मी को जब आप सब्जेक्ट के स्थान पे लाओगे तो क्या यूज होगा, आई होगा। अब देखो इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ है नहीं तो छोड़ दो, सीधे किस पे आ जाओ, बी फॉर्म। बी फॉर्म देख लो ये कौन सा है दोस्तों, वर्ब का ये पांचवा है, वर्ब का ये पांचवा फॉर्म है। और बी वन रे या बी फाइव रे टूटेगा इज एम आर और बी में, बट अभी मैंने कहा कि आई है तो इन तीनों में से क्या लगेगा, एम लगेगा। चलिए हो गया। फिर वी थ्री, लाइक्स का वी थ्री क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, बाय तो लगनी है। उसके बाद सी देख लो आप, सी किस में बदल जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, हर पे। तो देखे आपने इस सिंपल प्रेजेंट का कोई भी स्ट्रक्चर लो आपको बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लेके चलता हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी एक सेंटेंस उठा लीजिए, आप उसको बनाइए। जैसे मैं कहूँ ही इज ईटिंग अ मैंगो। अब देखो इसको बना, तो ऑब्जेक्ट पहले देखो यहाँ पे लेके चलो, ऑब्जेक्ट क्या है, आ मैंगो। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आ मैंगो। उसके बाद यहाँ पे देखो, इस बार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे जरा सा देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट का नेचर क्या है, सब्जेक्ट का नेचर यहाँ सिंगुलर है, आ मैंगो है तो सिंगुलर है, तो सब सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगुलर है यहाँ इज, तो इज लगा दो। चलिए फिर हम लोग सीधे कहाँ जाएंगे, बी फॉर्म में। बी फॉर्म बार बार कह रहे हैं किसके अकॉर्डिंग देखना है, वर्ब के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो कौन सा है, बी वन प्लस आई एन जी। देखो किस में टूट रहा है, बींग में टूट रहा है, तो यहाँ पे बींग लगा दो। फिर अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे क्या है, बी थ्री है, एटिंग का बी थ्री क्या होगा, एटेन होगा, बाय हो जाएगा। और यहाँ पे ही है, अब देख लो ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, कोई सा भी ले लो आपका वो बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट भी एग्जाम्पल ले लें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, कोई भी एग्जाम्पल। जैसे कि अगर मैं कहूँ दे आर टीचिंग मी। अब देखो इसको इजीली बनाओ आप, सबसे पहले क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी। मी को जब यहाँ लाओगे सब्जेक्ट के स्थान पे क्या होगा, आई, क्या होगा, आई। चलो आई हो गया। अब बताओ मेरे को, अब देखो हेल्पिंग वर्ब है ना, बिल्कुल यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर है, तो क्या आर में उतार दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि आर वहाँ होगा जहाँ प्लुरल होगा, आई के साथ तो बिल्कुल क्या लगेगा, एम लगेगा। चलिए तो यहाँ एम हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई था तो हेल्पिंग वर्ब एम हो गया। अब आइए बी फॉर्म देखते हैं वर्ब के अनुसार, वर्ब यहाँ B1+ING है, B1+ING किस में टूट रहा है, बींग में टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम बींग। रूल क्या कहता है, भीतरी लगाना है, टीचिंग का भीतरी क्या होगा मेरे भाई, दोस्त, टाउट होगा, क्या होगा, टाउट। फिर बाय लगा दो, ये दे देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, देम में हो जाएगा। तो आप देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी इसमें बन गया। अभी देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। जैसे मैं कहूँ आई हैव इटन अ मैंगो। सिंपली देखो मेरे भाई, देखो अब इसको मैं बनाता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, आ मैंगो हो गया। फिर ऑब्जेक्ट हो जाने के बाद किसको लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, तो क्या मैं यहाँ हैव लिखूँ, नहीं। अगर आ मैंगो के साथ आप हैव लिखोगे तो गलत हो जाएगा, कैसे गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैंने कहा आ मैंगो नेचर कैसा है, सिंगुलर, आदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या देना है, सिंगुलर। और आदि हैज और हैव को देखोगे तो इसमें सिंगुलर क्या हैज है, इसीलिए आ मैंगो के साथ यहाँ हैज लगानी है, क्या लगानी है, हैज। हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा, क्या होगा, हैज। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आइए बी थ्री क्या है, देखो सॉरी बी फॉर्म चलेंगे हम लोग दोबारा, मैं अब समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आमेंगो हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैव, तो यहाँ हैव नहीं लगेगा क्योंकि आमेंगो सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, हैज, क्योंकि आई था इसीलिए हैव लगा, यहाँ आमेंगो इसीलिए हैज। ध्यान रखना है सब्जेक्ट जैसा वर्ब वैसा, सब्जेक्ट जैसा वर्ब वैसा। चलिए उसके बाद देखिए बी फॉर्म देखते हैं वर्ब के अनुसार, यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ब है, थ्री, क्या है, थ्री है, तो थ्री किस में टूट रहा है मेरे भाई, बीन में टूट रहा है, तो हैज के बाद क्या होगा, बीन होगा। फिर रूल क्या कहता है, भी थ्री, एटेन का भी थ्री भी क्या होगा, एटेन, बाय। अच्छा आई का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, मी में, तो ए परफेक्ट का हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई सा भी एग्जांपल लो आपका बनना तय है,
दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह का कॉन्सेप्ट देखने के लिए जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जितना जल्दी हो सके। रुकिए भाई, आप वीडियो को जो है सो शेयर कीजिए, कुछ और कॉन्सेप्ट देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी बीन लगा रहता है। अब आते हैं पास्ट में, अब किस में आ जाएंगे? पास्ट में। तो ज़रा देखिए पास्ट का कैसे बनेगा, अभी मैं तुरंत सब बना के दिखा देता हूँ। देखिए चलिए लेके आता हूँ सिंपल पास्ट में। अगर मैं सिंपल पास्ट की कोई सेंटेंस लेता हूँ, सिंपल पास्ट की कोई सेंटेंस, जैसे जैसे मैं लेता हूँ आई टाउट यू। देखो ये सिंपल पास्ट हो गया ना, क्यों हुआ सिंपल पास्ट? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वी टू है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वी टू और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है। अब देखो इसको कैसे बनाना है मेरे भाई। मैंने तुम्हें पढ़ाया। अगर आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो बस यही रूल लगाओ। सबसे पहले क्या चीज़? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ मेरे भाई क्या है? यू। तो यू को यहाँ पे लाओगे कोई चेंज नहीं होगा, चूंकि यू सब्जेक्ट की भी जगह वही होता है, ऑब्जेक्ट की भी जगह वही होता है। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ जहाँ आपको सिंपल आ रहा है वहाँ वहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब छोड़ दो इसको, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो इस पे काम क्या करेंगे। सीधे किस पे आ जाओ? वी फॉर्म। वी फॉर्म देखो मेरे भाई, वी फॉर्म हमेशा वर्ब के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये क्या है? वी टू है। वी टू देखो किस में टूटता है? वाज और वर, वाज और वर। अब बताओ यू के साथ वाज लगता है या वर लगता है? वाज लगता है या वर लगता है? बोलो क्या लगेगा? वर लगेगा। क्या लगेगा? वर। चलिए फिर रूल क्या कहता है? वी थ्री। टाउट का वी थ्री क्या हो जाएगा? टाउट। टाउट का वी थ्री क्या हो जाएगा? टाउट। बाय लगा दो मेरे भाई, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वी में। तो देखिए आपने पास्ट सिंपल का भी बन गया, पास्ट सिंपल का बन गया। अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं, अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, तो कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे जैसे सी इज टीचिंग मी, वो मुझे पढ़ा रही, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में इज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? वाज होगा। सी वाज टीचिंग मी, वो मुझे पढ़ा रही थी। अब इसको बनाओ, मी का क्या हो जाएगा? आई। डायरेक्ट बनाओ, अब डायरेक्ट बनाओ, यहाँ तक हम लोग रूल देखे, अब डायरेक्ट बनाओ। मी का क्या हो जाएगा? आई। अब देखो आई के साथ वाज लगेगा? बिल्कुल लगेगा। टीचिंग क्या है? बीफोर। बीफोर किस में टूटता है? बिंग में। किस में टूटेगा? बिंग में। फिर टाउट, टीचिंग का भीतरी क्या हो जाता है? टाउट। फिर क्या लगेगा? बाय। और सी का क्या हो जाएगा? हर। पास्ट परफेक्ट का भी बनेगा इस तरह, सिंपल फ्यूचर का बनेगा, मॉडल्स का बनेगा, सभी का बन सकता है। आप किसी भी सेंटेंस को उठाओ और उसको बनाना शुरू करो, बनेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक रुकता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।